हार्दिक पटेल के साथी और पास कन्वीनर अल्पेश कथीरिया 6 महीने के बाद नवसारी से सूरत लौटे। राठौर केस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अल्पेश को शर्ती जमानत देते हुए 6 महीने सूरत से बाहर रहने का आदेश दिया था, जो समय अब पूर्ण हो गया है, जिसके चलते अल्पेश अब अपनी आंदोलन भूमि पर वापस लौटे हैं। अल्पेश कथीरिया के वापस लौटने से उनके समर्थकों में काफी खुशी का माहौल है और अल्पेश को लेने के लिए उनके समर्थक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे और गब्बर वेलकम के नारों के साथ अल्पेश कथीरिया का स्वागत किया। नवसारी से सूरत लौट रहे अल्पेश कथीरिया ने कहा कि सभी कन्वीनर के साथ मीटिंग करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। 6 महीने के बाद हम फिर सूरत लौटेंगे। वहां जाने के बाद हमारी जो पास की कोर कमेटी है, वहां की पूरी टीम है, उस सबके साथ मिलेंगे। समाज के जो हमारे वड़ील लोग हैं उसके साथ भी चर्चा करेंगे और आगामी दिन में समाज के लिए जो भी समस्या खड़ी है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या प्लानिंग करें उसके बारे में चर्चा करें। साथ ही में हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी को लेकर भी अल्पेश ने अपना बयान देते हुए कहा कि हार्दिक पटेल से निजी दुश्मनी निकाली जा रही है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसे समझे तो काफी दिनों से सरकार की मूवमेंट बढ़ी है, पुराने केसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके लिए हम कायदा की तरफ से आगे बढ़ रहे, लीगल एडवाइजर की सलाह ले रहे हैं और आगामी दिन में वहाँ पे क्या हो सकता है, अभी 2-3 पुराने केस पे ज्यादा फोकस है। उसके बाद भी हार्दिक को टॉर्चरिंग और पर्सनल जो बदला हो रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और जो हमारी पूरी टीम है वो एक बार अहमदाबाद में उसकी बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। पाटीदार आंदोलन के दौरान हार्दिक के साथ अल्पेश कथीरिया ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी और अल्पेश को हमेशा हार्दिक का प्रतिस्पर्धी भी माना जाता था। कई बार अल्पेश और हार्दिक के समर्थकों के बीच तनातनी की तस्वीरें भी देखने को मिलती थी। हालांकि अब हार्दिक पटेल राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अल्पेश भी राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे या सिर्फ पाटीदारों के नेता तक ही सीमित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।